जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह की कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जांच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनेक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रूर्वेज कैंट वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेलो डॉक्टर के इस अंक में हम आज आपको मुख व दंत रोग से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसके इलाज, निदान और इलाज के बारे में बतलाएंगे, जिसके बारे में एक्सपर्ट के रूप में जानकारी देंगे हमारे जो है वाराणसी के जाने माने वरिष्ठ दंत मुख व दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी शर्मा जी हमारे साथ में हैं। और आप जो है अपनी जो है पूरा जो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जो है बीडीएस के बाद आप लगभग जो है 20 वर्षों से बनारस में आप जो है अपना दांतों का जो अस्पताल खोले हैं, आपका क्लिनिक भी है, दो जगह आप बैठते हैं, एक सुंदरपुर में और एक यहाँ पे सिगरा पे भी स्थित है आपका कृषि एक्सपोर्ट प्लाजा में आपका अपना क्लिनिक है, जहाँ पे मरीजों की जो है आप देखते हैं, परामर्श देते हैं, उनके दांतों को जो भी परेशानी और बीमारी होती है उसके निदान और इलाज करते हैं। और इस तरह से 20 वर्षों से आप बनारस में इस तरह का अपना सहयोग कर रहे हैं। और आप जो है इंडियन डेंटल एसोसिएशन के विभिन्न पदों पे भी सुशोभित कर चुके हैं, जैसे कि आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आईडीए के और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अभी जो है नेशनल जो आईडीए है उसमें भी आप वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में हैं, वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और इस तरह से जो है आप हमेशा जैसे कि अपने आईडीए में एक्टिव रहते हैं जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन आपका है, और जब भी कभी कैंप वगैरह लगता है इधर मान लीजिए कि सोल टंकेश्वर दूर है यहाँ पे और बाहर जितने ग्रामीण अंचलों में लगता है आप जरूर वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों को निःशुल्क परामर्श देते हैं, कुछ दवाइयों का भी वितरण करते हैं और दांतों की देखभाल कैसे की जाए पूरा बताते हैं। और नेशनल इंटरनेशनल जो आईडी के कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, सीएमई जो होते हैं बनारस में और अपने यूपी स्टेट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं कि जो है आजकल दांतों की बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां बहुत कॉमन हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दांतों से प्रमुख रूप से जो बीमारियाँ हैं उसमें सबसे पहला तो दांतों का सड़न है, दूसरा दांतों से एक हम लोग शब्द बोलते हैं पायरिया, हर दूसरा तीसरा आदमी दांतों के इस बीमारी से पीड़ित है, फिर छोटे बच्चे हैं जो जिनके दूध के दांत में भी सड़न पैदा हो रहा है,
तो ये तीन चार मेन बीमारियां हैं दांतों के, केरीज जिसको बोलते हैं वो, डायरिया है, फिर डेंटल केरिया जो किड्स में होता है बच्चों में, तो ये मेन तो यही बीमारियां हैं। जैसे कि आपने बताया दूध का दांत, तो और ये दूध का दांत और परमानेंट टीथ है, मिल्क टूथ, और दोनों में, दोनों से क्या तात्पर्य है बताएं हमारे दर्शकों को। आपको रोकेंगे, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ बताइए, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही। हाँ नमस्ते, बताइए क्या पूछना है, बताइए क्या दिक्कत है। दांत के पीछे बहुत सारे दांत हैं। अच्छा, और जो है आपका उम्र कितना है। टेन इयर्स है। अच्छा, दस साल की है, दांतों के पीछे दांत बोल रहे हैं, इसका मतलब वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मिल्क टूथ और परमानेंट टूथ की बात कर रहे थे, तो 10 साल मिक्स्ड पीरियड होता है, मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड होता है, जिसमें बच्चों के कुछ दांत मिल्क टूथ मतलब दूध के दांत होते हैं और कुछ जो है परमानेंट टूथ होते हैं। अभी आपने ये बात उठाई कि मिल्क टूथ और परमानेंट टूथ में क्या डिफरेंस क्या है, तो उसमें अंतर बस यही है कि जो बच्चे जिनका पहला दांत जो आता है वो ऐसे तो आइडियली 6 महीने में आना चाहिए, 6 महीने में पहला उनका टूथ आना चाहिए, लेकिन डिलेड इरप्शन होते हैं कई बार दिक्कत होती है, 8 महीने 9 महीने में भी जा करके, किसी किसी बच्चे में उन्होंने देखा है कि 11 महीने में जाके बच्चा का दांत आ रहा है, लेकिन जब भी पूरा सेट तैयार होता है छोटे बच्चों में तो वो 20 दांत का सेट होता है, ये क्लियर जानिए, वो 20 दांत का पूरा सेट होता है, 5 एक जबड़े में आधा, फिर 5 इधर, फिर ऊपर 5, फिर इधर 5, ये 20 होते हैं, ये 20 के 20 दांत को गिरना है 13 साल तक। जब बच्चे की उम्र 13 साल तक पहुंचती है, या किसी किसी बच्चे में थोड़ा पहले भी हो जाता है 12 साल 13 साल, लेकिन 12 से 14 साल में ये सारे दूध के दांत, ये जितने भी 20 के 20 हैं, ये टूटेंगे, इनकी जगह पे नए दांत आएंगे। लेकिन होता यह है कि हर दांत के निकलने का एक समय है, हर दांत के गिरने का एक समय है, जो दांत पहले गिरेगा उसी की जगह पे दांत नए आएंगे, ये एक कुदरत की देन है। तो परमानेंट और टेम्परेरी टूथ जो है, दोनों में बस ये डिफरेंस है कि एक तो जो टेम्परेरी टूथ है वो 20 के 20 आएंगे और 20 के 20 एक टाइम पे गिर जाएंगे, जो परमानेंट टूथ आएंगे वो या तो 28 आएंगे या 32 आएंगे। अब यहां 28 और 32 की जो बात है, मेजॉरिटी में जो विजडम टूथ जिसको अक्लदार हम लोग कहते हैं, वो बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो अगर नहीं आ रहा है तो उनके मुंह में 28 दांत रह सकते हैं, और अगर आ गया है तो फिर वो 32 हो सकते हैं, ये टेम्पररी और परमानेंट का डिफरेंस है। और ये अकल दांत से क्या तात्पर्य है, लोग अधिकतर बोलते हैं कि अब अकल का दांत आ गया है, अकल का दांत नहीं आया है। अकल का दांत का कोई अकल वाला तो कोई लेना देना नहीं है, वो चूंकि 18 के बाद ही वो दांत लास्ट मोलर आता है, थर्ड मोलर, तो वो थर्ड मोलर जो है चबाने वाला दांत लास्ट का आता है, वो 18 के बाद आता है, तो हम लोग ये सपोज करते हैं कि 18 साल एक बच्चे की मैच्योरिटी की एज है, इसलिए उसको एक नाम दे दिया, विजडम टूथ के नाम से डाला उसकी अकल दांत, ऐसा नहीं है कि उसके कुछ अकल से उसका कोई लेना देना है। और अधिकतर ये भी देखा जाता है घर की जो पेरेंट्स होते हैं कि छोटे बच्चों को जो दांत आता है तो डायरिया की शिकायत अगर होती है उस पीरियड में, तो हमेशा वो बोलते हैं कि उसको इग्नोर करते हैं कि दांत आ रहा है, इसके वजह से हो रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बताएं कि जब दांत टेम्परेरी टूथ आते हैं तो क्या इस तरह का कोई संबंध है डायरिया से। डायरिया से जो संबंध है, डायरिया से सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ बताएं, हाँ बताइए, हाँ आवाज़ तेरा तेज बोलिए। मेरा ये कहना था, हाँ
हाँ दांत के ऊपर जो जबड़ा है हाँ उस जमाई देने पर जबड़ा चढ़ जाता है। अच्छा आपकी करते ना इससे मुंह बोलते तो आ रहा जाता है बुला नहीं। ये आपको कितने आप कब से हैं एक्सरे करवाया था बताइए। एक साल डेढ़ साल से हो गए हैं। अच्छा आपकी एज कितनी है? ये डेढ़ साल से है तो मैं इसका एक्सरे करवाया था। हाँ इस समय 26 ईयर। अच्छा एक्सरे में क्या बात जी डॉक्टर साहब से ये एक्सरे करवाया था जी मैं एक्सरे करवाया था तो ऊपर के दांत से राइट हैंड में एक्सरे में निकला कि ये दांत ऊपर की ओर निकल गया है। अच्छा इसके कारण वो मतलब जबड़ा चढ़ जाता है जमाई देने पर वो नीचे नहीं हो पाता। ठीक है हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बोलना जमाई लेते जमाई लेते समय ये बोल रहे हैं कि जबड़ा इनका चढ़ जाता है वो या वापस नहीं आ पाता होगा जैसे मुंह खुला का खुला रह गया कभी बहुत देर से जमाई आई और मुंह खुल गया और मुंह वापस नहीं आता है तो होता क्या है कि जबड़ा जब हम एक कैप्सूल की तरह से जैसे जब हम लोग मुंह खोलते हैं बंद करते हैं तो ये ग्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर जाता है कैप्सूल से निकलता है फिर आता है तो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ये खोलने में और बंद करने में दिक्कत होती है। इसके ट्रीटमेंट्स हैं इनको मैक्सिलोफेसियल सर्जन्स देखते हैं कभी भी किसी नियर बाय डेंटल सर्जन के क्लिनिक में जाएं एक्सरेज उनके देखे जाएंगे और कंजर्वेट पहले तो हम लोग इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही रखते हैं। इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इनको कोई स्कार्फ या कुछ ऐसा बैंड लगा करके रखें खासतौर से जमाई के समय पे मुंह दबा दें अपना बहुत जोर से मुंह ना खोलें हंसे ना बहुत जोर जोर से नहीं तो कभी बार ऐसा होगा कि कहीं जा रहे हैं रास्ते में ऐसा हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी तुरंत वो वापस जबड़ा फिर वापस बैठता नहीं है उसको किसी डेंटल सर्जन के पास ही जाके कराना पड़ेगा। कई बार इसमें कंडीशन अगर ज़्यादा बिगड़ती है तो सर्जरी की भी नौबत आती है। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो TMJ ज्वाइंट पे हम लोग लगाते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कई चीज़ें हैं देखने पर सीवियरिटी पता चलेगी कि किसको कितनी सीवियरिटी। मतलब एक कुशल दंत रोग विशेषज्ञ बिल्कुल बिल्कुल ये छोटी चीज नहीं है और इसमें लापरवाही भी उनको नहीं करनी चाहिए। जी तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे छोटे बच्चों के दांत आते हैं और उस पीरियड में डायरिया होता है जी तो उसका संबंध लोग जोड़ देते हैं कि देखिए संभाल ले लेते हैं। हेलो हाँ बताइए बताइए हाँ बताइए संतोष जी बताइए संतोष जी आवाज आ रहा है? हाँ सर आवाज आ रहा है। हाँ सर ये कह रहे थे सर हमारे टाइमी साथ टाइमी तरफ जाने में सर बहुत पानी लगता है। अच्छा आपका उम्र कितना है संतोष जी? एज कितना है उम्र? हमारे उम्र सर 35 साल है। अच्छा 35 साल है। ठीक है डॉक्टर से बात उनका कहने का मतलब है पीछे वाले दांत में पानी लगता है पानी लगता है। अब पानी लगने का तो उनको दिखाना पड़ेगा किसी नियर भाई दंत चिकित्सक को जाके दिखाएं जो उनके आसपास में हो क्योंकि पानी लगने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं दांतों पर से मसूड़े हो सकता है हट गए हो दांत कहीं से कटे हो दांत में कहीं गड्ढा हो कोई कैविटी डेवलप कर रही हो तो वो देखने के बाद ही पता चलेगा और दिखाएंगे जा करके। तो अगर कोई सिंपल चीज होगी तो तुरंत कोई पेस्ट वेस्ट कोई बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल मेडिकेटेड पेस्ट आ गए हैं बहुत अच्छे पेस्ट आ गए हैं करके उससे आराम मिल जाएगा उनको। जी जी तो आप एक जो है कुशल दंत रोग विशेषज्ञ को दिखा लें और उसके बाद जैसा वो कहेंगे वैसा आप करेंगे तो जरूर आपको इससे निजात मिल जाएगा। और हम लोग बार बार आप डायरिया पे बात करें देखिए होता क्या है जब छोटे बच्चों के दांत आते हैं तो उसको इरिटेशन महसूस होता है दांतों पे मसूड़ों पे अपने इसीलिए उसके सामने हम लोग कई बार बोलते हैं कि कुछ प्लास्टिक के कुछ ऐसे चीज़ें टॉयज ऐसा कुछ जो वो जब उसको इरिटेशन महसूस होता है तो वो उसको काटना चाहता है तो कोशिश ये करते हैं कि उसको कुछ ऐसे टॉयज दें जो उसको हार्म भी ना करे और उस समय ये चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं फॉरेन बॉडी कुछ ऐसी चीज़ें जाती हैं जो उसको उसका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब करती हैं तो ऐसा नहीं कि दांत निकल रहा है तो डायरिया हो रहा है उस दौरान वो चूंकि उसको इतना हाई इन्फेक्शन हो रहा है वो इन्फेक्शन बाहर से जा रहा है तो वो डायरिया होता है।
तो हम बताना चाहेंगे कि जो माता पिता हैं बच्चों के, जो छोटे बच्चों को ये समझते हैं, हम लोग भी अधिकतर ये मिथ सुनते आए हैं कि दांत आ रहा है इसलिए इसको दस्त हो रहा है, तो ये कदापि ना समझें। जब भी बच्चे को दस्त होता है उस समय जरूर जो है अपने बाल रोग विशेषज्ञ को, एक कुशल बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा लें, और ऐसा ना सोचें कि दांत आ रहा है और डायरिया होने से बच्चे को ज़्यादा परेशानी हो जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि और दांत की बीमारियों के बारे में, जैसे आपने बताया कि दांतों में सड़न, तो एक तो होता है कि बड़े में एडल्ट होते हैं उनके दांतों में कैविटी हो जाता है, सड़न हो जाता है, और लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि 3 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों में ज़्यादा जो है दांतों का सड़न आजकल के दिन में कॉमन हो गया है। इसका क्या कारण है, अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों में और चाहे चाइल्ड हो चाहे एडल्ट हो, दोनों में ही दांतों के सड़न का रीज़न करीब करीब बराबर है। खाने का कोई भी चिपचिपा खाना, कोई भी स्टिकी फूड और जितना भी है वो अगर खाना फंस रहा है दांतों में, चाहे वो मिल्क टूथ हो, चाहे टेम्पररी टूथ हो और चाहे एडल्ट में हो, तो वो धीरे 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 वहाँ एसिड फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे दांत में सड़न शुरू होती है। छोटे बच्चों के लिए मैं स्पेशली जरूर कहूँगा पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो भी स्कूलों में टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको कि छोटे बच्चों में स्पेशली जो बहुत छोटे किड्स हैं, जो लोग बॉटल फीडिंग कराते हैं बच्चों को, बॉटल फीडिंग जितना कम से कम कराए वो बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें, डायरिया से भी बचेंगे क्योंकि तो बॉटल फीडिंग में आप बॉटल बहुत अच्छा से आपका स्टरलाइज नहीं होता। दूसरा कि आप बॉटल फीडिंग में आपका जो दांत में है, आप रात में उस बच्चे को रो रहा बच्चा, आपने मुंह में बॉटल डाल दिया, सो गया, आप कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे के मुंह में बॉटल डाल दिया और आप अपना काम कर रहे हैं, होता क्या है कि लगातार स्वीटनिंग इफेक्ट आता है और छोटे बच्चों के दांत में कीरी शुरू हो जाती है। आपको रोकेंगे, एक सवाल ले लेते हैं। तो बच्चों में आपने बताया कि कीरीज हो जाता है जो कि बॉटल लगा के, बॉटल से है खाना, और रात का ब्रश करना सबसे मेन जो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब भी खाना खाएं, एक तो कोई भी चिपचिपी जो भी स्टिकी चीज़ें हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें हैं, च्युइंगम, तो इस तरह कोई चीज़ जब खा रहे तो आप अपना दांत जरूर क्लीन करें। रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश जरूर करें। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपके दांतों में सड़न कम होगा। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कम होगा बाकी के लोगों की तुलना में जो लोग दिन में केवल एक बार ब्रश करते हैं। अगर आप ब्रश भी नहीं कर पा रहे तो आप खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ली जरूर करें कि जिससे कोई भी फूड पार्टिकल, कोई भी अन्न का कण वो मुंह के अंदर ना रहे। अगर वो रहेगा तभी दिक्कत होगी, अन्यथा नहीं। जी, तो अगर जैसे कि बच्चों में अगर इस तरह का कैविटी हो जाता है और बड़ों में हो जाता है, तो आजकल बहुत कॉमन है कि RCT, रूट कैनल ट्रीटमेंट, तो दोनों में क्या कुछ अंतर होता है उसके प्रोसीजर में? और आजकल जो है एक चीज़ और बहुत फेमस है, जगह जगह लोग अपना ऐड भी देते हैं कि सिंगल सिटिंग जो है RCT का, तो सिंगल सिटिंग और मल्टीपल सिटिंग जो इसके मतलब कि रूट कैनल ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है? जो RCT की जहाँ तक बात है, RCT मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली जब दांत का सड़न एक ऐसे लेवल पे चला जाता है जहाँ पे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, उसको दर्द शुरू हो जाए, उसको ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगने लगे, और ऐसा दर्द, ऐसा ठंडा गर्म लगना या कुछ एब्सेस डेवलप कर जाए जो मेडिसिन से या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होने लायक है, तो हम लोग रूट कैनाल प्लान करते हैं। कि रूट कैनाल में बेसिकली मैं एक इस पर मैं दिखाना चाहूँगा कि रूट कैनाल में बेसिकली क्या होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक मॉडल मैं लेके आया हूँ इसलिए कि ये दांतों की ये बनावट है, इसमें एक रेड जोन दिख रहा है नीचे और ये सड़न दिख रहा है। ये सड़न अगर इस रेड जोन को टच कर गया है, अगर आपका दांत ये सिंपल दांत बिल्कुल जरा भी इसमें दाग नहीं लगा, फिर ये इसमें आपके सड़न शुरुआत हो रही है, इसको हम लोग इमीडिएट ठीक कर सकते हैं। ऐसे दांत को कभी भी रूट कैनाल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप थर्ड स्टेज में आते हैं, आप नर्व जोन के करीब जा रहे हैं,
तो और ये स्टेज है जहां पे एब्सेस डेवलप कर सकता है। तो इन दोनों स्टेज में हमें रूट कैनाल की प्लानिंग करनी होती है। एडल्ट में रूट कैनाल बिल्कुल डिफरेंट है, चाइल्ड में रूट कैनाल बिल्कुल डिफरेंट है। चाइल्ड में पहला तो ये कि पेरेंट्स को ही कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा कभी कन्विंस नहीं होगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। छोटे बहुत जो बच्चे होते हैं जिनका टेम्परेरी टूथ में अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है, उसमें बहुत कुछ कॉशियसली करना पड़ता है, ये देखते हुए कि उसकी रूट की फॉर्मेशन कैसी है, उसकी रूट अच्छे से है कि नहीं है, रूट रिजॉल्व तो नहीं है, बहुत सारा चीज है। और सिंपल ट्रीटमेंट्स है, हम लोग उसमें दो वर्ड यूज करते हैं, पल्पोटॉमी पल्पेक्टॉमी, ये जो बच्चों के लिए होता है कि कुछ दवाइयां आती हैं, कुछ मेडिकामेंट्स आते हैं जो हम लोग कैविटी बनाते हैं और वहां डाल देते हैं, बच्चे को काफी रिलीफ हो जाता है। ये एक बच्चों में इट्स, इसको हम लोग बोलते हैं इट्स एक तरह से आरसीटी करना, ये बच्चों के लिए हो गया। बच्चों में आरसीटी एक दो विजिट में किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एडल्ट में सिंगल सिटिंग आरसीटी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐड दे रहे हैं और कर रहे हैं, सिंगल सिटिंग आरसीटी कुछ दांत में तो संभव है लेकिन सारे दांतों में संभव नहीं है। पीछे के दांत में स्पेसिफाइड जहां पे कई कैनाल्स होती हैं, क्योंकि आपको हर कैनाल रूट कैनाल में जब आप कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, पीछे के दांतों में चार चार पांच पांच कैनाल्स होती हैं, सेम डेट पे सेम विजिट पे आप हर कैनाल को क्लीन करना, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए और बहुत ज़्यादा समय चाहिए। अगर आप सिंगल सिटिंग आरसीटी कर रहे हैं आपको मिनिमम 1.5 आवर डेढ़ से दो घंटा चाहिए एक केस को ख़त्म करने में, वो भी मुश्किल हो सकती है आपको। तो सिंगल सिटिंग आरसीटी जनरली मैं कहता हूं कि अगर एंटीरियर टूथ है, एक्सीडेंट हुआ है, बाहर जाना है, हम कर सकते हैं, टाइम दे करके दे सकते हैं, लेकिन पीछे के दांतों में अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। पेशेंट को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है, वो भी थकता होगा, वो भी परेशान होता होगा, कई बार कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कुदरत ने बना दी है, आपके रूट्स टेढ़ी हो सकती हैं, जहां पे हमें पहुंचने में टाइम लग रहा है, आप मुंह खोल के कितना देर बैठेंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो फोर्स नहीं करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी है तो हम आपका दर्द तो एक ही सिटिंग में खत्म कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट का दर्द हम एक सिटिंग में, रूट कैनाल शुरू किया, दर्द उसका गायब, आप अपना सारा अपॉइंटमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगल सिटिंग आरसीटी की जा रही है, कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन उसमें केस सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से केस में सिंगल सिटिंग आरसीटी कर रहे हैं। और सिंगल सिटिंग आरसीटी कभी भी ऐसे दांतों में नहीं कराइए और नहीं करना चाहिए। डेंटल सर्जन्स को भी बोलूंगा और पेशेंट्स को भी बोलूंगा, जहां पे एब्सेस डेवलप कर रहा है, जहां पे पस बन रहा है, वहां आपको वेट करना चाहिए, आपको वेट करना पड़ेगा, आपके इन्फेक्शन हो जी जहां पे इन्फेक्शन है जी। तो दर्शकों, इसी तरह हमारी चर्चा आगे भी चलती रहेगी और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी गम, पर हर पल आपके साथ है हम, लक्ष्मी हॉस्पिटल। असाध्य रोगों के समुचित इलाज की बात हो या फिर हर तरह के कठिन से कठिन ऑपरेशन की, लक्ष्मी हॉस्पिटल है हमेशा सबसे अलग। तभी तो इसके आधुनिक आईसीयू, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय पैथोलॉजी व विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा हर तरह की जाँच की विशेष व्यवस्था और हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम आपको देती है सुरक्षा का संपूर्ण एहसास। एज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक गायनेक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। लक्ष्मी हॉस्पिटल, रूडवेज कैंट वाराणसी। लक्ष्मी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय, सबके लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि
RCT के बारे में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, कि जो है सिंगल सिटिंग भी होता है, मल्टीपल सिटिंग भी होता है, लेकिन इसमें जो है पेशेंट का सिलेक्शन करना सबसे आवश्यक है। उसको उसी हिसाब से उसको समझाना चाहिए कि ये सिंगल सिटिंग करना कितना उचित है, या कोई इमरजेंसी है, किसी को एकदम फुर्सत नहीं है और ये करना भी ज़रूरी है, तब उस तरह के से चिकित्सक अपना निर्णय लेते हैं। तो इसी में जैसे कि आजकल देखा जाता है कि हर जितने भी लिटरेट हों इलिटरेट हों हमेशा बोलते हैं कि अरे पायरिया हो गया है, अपने आप को भी बोलेंगे, दूसरे का भी देखेंगे कि अगर मुंह से दुर्गंध आ रहा है और तो बोलेंगे पायरिया हो गया है। तो ये पायरिया से क्या तात्पर्य है और क्या पायरिया का इलाज संभव है और पायरिया किस तरह से प्रेजेंट करता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जिससे मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि शायद हर दूसरा या तीसरा आदमी पीड़ित है। पायरिया तो बहुत बड़ा शब्द है, कई सिम्टम्स को मिला के तब जाके पायरिया वो वर्ड आता है। पायरिया इसको हम लोग अपने डेंटिस्ट्री में, अपने मेडिकल टर्म में पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। पेरियोडोंटाइटिस तब डेवलप होगा जैसे पहला इसका लक्षण कि मसूड़े का कलर बदल जाना। एक आम हेल्दी आदमी, जो स्वस्थ आदमी है, उसके मसूड़े का कलर गुलाबी होता है, पिंक, कोरल पिंक बोलते हैं उसको हम लोग। अगर वो देखे, हम ब्रश करते हैं जनरली, हम लोग बहुत सारे लोग शीशे में देखते रहते हैं, बेसिन के सामने खड़े होते हैं या गांव में भी आराम से देखते हैं आदमी, बीच बीच में चेक भी करना चाहिए कहीं उसके मसूड़े का रंग जो है गुलाबी से लाल की तरफ तो नहीं जा रहा, रेडनेस अगर आ रही है तो वहां कुछ गड़बड़ी है। दूसरा चीज आता है मसूड़े में सूजन आना, स्वेलिंग होना। फिर तीसरा चीज, जैसे मसूड़े में स्वेलिंग जब आएगी तो जब वो व्यक्ति ब्रश करेगा या दातून करेगा तो उसके मसूड़ों से ब्लड आएगा। फिर उसके बाद ये ब्लड के साथ साथ में दुर्गंध आने से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है जहां पे पस बनने लगता है, जब ये सारी चीजें पस के स्टेज तक पहुंच गई तो ये वर्ड आता है फिर पायरिया, जिसको हम लोग पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। आपने कहा कि क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, इसका इलाज संभव है, हर स्टेज की बात है आप किस स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। मेरा यही सुझाव है कि जैसे ही आपको लगे कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रहा है, या आपको जब आप ब्रश करते हैं या दातून करते हैं और मसूड़ों से ब्लड आता है, या बहुत से लोग आते हैं हम लोग पास कंप्लेंट करते हैं कि वो सो के उठते हैं तो सुबह थूकते भी हैं या स्पिट करते हैं तो भी ब्लड आता है, तो ये निशानी है कि तुरंत अपने दंत चिकित्सक को जाके मिलें। क्योंकि अगर आप सही टाइम पे अगर पहुंचेंगे तो इलाज बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला चीज यही होता है कि हम लोग जब आता है पेशेंट हमारे पास, हम लोग देखते हैं उसके दांतों की क्या कंडीशन है, क्यों उसके मुंह से दुर्गंध आ रहा है। तो उसमें कई बार हम लोग पाते हैं कि दांतों में काफी गंदगी है, दांतों के ऊपर एक पीले रंग का पदार्थ जमता है जिसको हम लोग प्लाक बोलते हैं। यही प्लाक अगर अच्छे से दांतों की सफाई ना की जाए तो ये प्लाक धीरे 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 लेयर बाय लेयर जमते जमते टार्टर का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग कई बार पत्थर बोलते हैं कि दांतों में पत्थर जम गया। उसको जो भी कुशल दंत चिकित्सक हैं उसको बहुत अच्छा से साफ कर देते हैं, मसूड़े नॉर्मल होने लगते हैं और धीरे धीरे केवल इस सफाई से ही काफी ज्यादा हद तक हम लोग इस बीमारी पर कंट्रोल पा जाते हैं। लेकिन कुछ जगह पे स्टेज इससे आगे चली जाती है जहां पे मसूड़े इतने ज्यादा दांतों को छोड़ चुके हैं कि वहां पे हम लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसी भी स्टेज आती है कि इसी बीमारी की वजह से दांत हिल जाते हैं और बहुत कम उम्र में हिल जाते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों की कम उम्र में सामने के दांत हिल जाते हैं उनको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है बोन ग्राफ्टिंग, हम लोग बोलते हैं। बोन ग्राफ्टिंग में हम बहुत ही सिंपल तरीके से मसूड़े को नीचे से हटा करके मसूड़े को ओपन करते हैं, एक्सरे में देखते हुए कि किस किस जगह पे बोन का थोड़ा ह्रास हुआ है, जहां पे हड्डी कुछ कम हुई है वहां पे आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट आते हैं,
कई उसको कंपनियां बना रही हैं और हम लोग वो बोन पाउडर वहां डाल करके अच्छा से सूचर कर देते हैं, 3 से 6 महीने में उनका दांत बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह से। लेकिन ये तब होगा जब आप उस चीज को सही टाइम पे आप अपने दंत चिकित्सक को जाके दिखाएंगे। कई लोगों में मसूड़ों में स्वेलिंग आने के पीछे दवाई का भी कुछ रीजन होता है। कुछ लोग ऐसे दवाइयां लेते हैं, कुछ बच्चे या कुछ एडल्ट्स जिनको मानसिक रूप की कोई बीमारी है, तो उनमें कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो मसूड़े पे साइड इफेक्ट पहुंचाती हैं। हेलो हेलो, हाँ बताएं जी 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 हाँ हाँ अच्छा नहीं नहीं दांत में आपके चोट लगा था ना, दांत में चोट लगा था ना, हिला हुआ है, हिला अगर दांत हिल रहा है तो उसमें तो आरसीटी नहीं होता है। नहीं नहीं लाइट की ओर बोले, दांत टूटा तो नहीं है चोट लगने के बाद? दांत टूटा नहीं ना है चोट लगने से? टूटा तो नहीं है दांत का हिस्सा? दांत का हिस्सा आपके टूटा तो नहीं है चोट लगने से? चोट लगने से आरसीटी? चोट लगना तो चोट लगने से अगर दांत कहीं आधा अधूरा या थोड़ा हिस्सा टूट गया है तो सामने का अगर दांत है तो हम लोग सारे लोग तो रूट कैनाल करते हैं। रूट कैनाल कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर छोट बहुत हल्का फुल्का चोट लगा है तो जरूरत नहीं पड़ती उसको। हम लोग बहुत सारा आजकल इतने अच्छे अच्छे लेटेस्ट मटेरियल्स आ गए हैं लाइट क्योर करके या कंपोजिट मटेरियल से उसको हम लोग अच्छा से बिल्डअप कर देते हैं। अब इनको जिन्होंने अभी फोन किया, इनको किसी ने अगर बोला है रूट कैनाल, अगर दंत चिकित्सक ने बोला है तो जरूरी कुछ ऐसी बात होगी। लेकिन हिलते दांत में वो मोबिलिटी कितनी है, क्योंकि हिलते दांत में जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका हिलते दांत का मतलब कि कहीं पे पैथोलॉजी है, कहीं पे नीचे रूट के ऊपर इन्फेक्शन है और कितनी डिग्री की मोबिलिटी है उस पर रूट कैनाल तय होगा। बहुत ज्यादा अगर दांत हिल रहा है तो उसमें रूट कैनाल का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे दर्शकों को बताएं कि अधिकतर जैसे कि दंत चिकित्सक बोलते हैं और आम आदमी जो ये चाहता है कि हमारा दांत साफ सुथरा रहे, तो जैसे लोग उनका मानना है ये कि हम अगर बार बार दांत को साफ कराएंगे, स्केलिंग कराएंगे तो हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, तो इससे क्या तात्पर्य है इसका? देखिए जो पेशेंट ये बात करते हैं उनकी अपनी बात, कुछ जगहों पे थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके साथ कि जिससे वो ये बात कहते हैं कि दांत हमारे कमजोर हो गए या दांतों में क्लीनिंग के बाद से हमारे ठंडा गर्म लगने लगा। देखिए कुछ ये तो बात है कि सफाई जब होती है तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि वो ठंडा गर्म लगना क्यों हो रहा है। जब आप क्लीनिंग के लिए आते हैं, हम ऐसे ही मरीज में दांत की क्लीनिंग के लिए बोलते हैं जिसके दांत में, जिनके दांतों में स्टोन फॉर्मेशन, टार्टर का फॉर्मेशन ज़्यादा है। हम जब वो टार्टर जब किसी के मुँह में जमा हुआ है, जैसे ही वो टार्टर हम हटाते हैं यहाँ से पूरे दांत के चारों तरफ से, तो जैसे ही टार्टर हटता है तो यहाँ से मसूड़ा एकदम एक्सपोज हो जाता है, तो अपने रूट लेवल पे एक्सपोज हो जाता है, तो टेम्परेरली ठंडा गर्म लगता है। लेकिन ये कुछ दिन के लिए होता है, जैसे ही मसूड़ा फिर से उस जगह पे आ जाएगा जहां पहले टार्टर था, तो वो फिर से मसूड़ा दांत को जहां कवर कर लेगा अपने चारों तरफ से, तो ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा। एवरी 6 मंथ्स पे अगर आप क्लीनिंग करा रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से होता है,
खुरच खुरच के दांत नहीं साफ किए जाते। अगर कोई कर रहा है, आप खुद पेशेंट बहुत आजकल जागरूक हैं, हर चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मना कर सकते हैं। दांतों की सफाई के लिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, जिससे कि हम लोग दांत को साफ करते हैं और इतना अच्छा उसमें पानी के साथ में वो चलता रहता है, एक तरफ क्लीनिंग होती है, एक तरफ वो हीट ना ज़्यादा दांत हो इसलिए उस पर पानी लगातार गिरता रहता है, तो कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है। और दंत चिकित्सक तभी दांतों की सफाई के बारे में बोलेगा जब उसको ज़रूरत लगेगी कि दांत गंदे हैं, तभी बोलेगा वो, अन्यथा दांतों की सफाई का कोई मतलब। कई बार हम लोग साफ करते हैं, तीन तीन साल, चार चार साल अगर प्रॉपर केयर करें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेशेंट को दोबारा दांत सफाई के। अच्छा, तो हम लोग जो है अंत में संक्षिप्त में आप बताएं कि जैसे आजकल देखा जाता है कितने एडवर्टीजमेंट आते हैं कि ये टूथब्रश यूज करिए, ये टूथब्रश यूज करिए, ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छी सफाइयाँ हो जाती हैं। तो आप जो है जो है दंत चिकित्सक, आप बताएं कि सबसे पहले बताएं कि ब्रश करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि जो है कितना भी बढ़िया ब्रश रहे अगर तरीका उसका गलत है तो हमें लगता है कि नुकसान करता होगा। देखिए, ये जो डिफरेंट ऐड की जहाँ तक बात है कि ये हर कंपनी, बहुत सारी डिफरेंट कंपनियाँ अपनी अपनी पेस्ट बना रही हैं और वो ऐड करती हैं, उनका अपना कमर्शियल सोचना है, अपना ढंग है। दांत साफ होने चाहिए, चाहे वो ग्रामीण लोग हों चाहे शहर के लोग हों। मैंने पहले भी कहा अभी अपने इस माध्यम से, रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ब्रश कभी भी, ब्रश हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, ऊपर नीचे, कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। जैसे ये सामने दांत है तो आप अगर इस पे ऐसे ऐसे ब्रश करेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टल, तो ये कभी दांत आपका साफ नहीं होगा। हमेशा ब्रश को ऊपर नीचे के डायरेक्शन में रख के और जब आप क्लीनिंग करेंगे तो गंदगी ऊपर निकलेगी, या ऊपर के दांतों से जब आप नीचे की तरफ ब्रश लाएंगे तो गंदगी नीचे आएगी। तो ये एक ये है कि आपको पेस्ट, कोई भी पेस्ट इस्तेमाल करें, कोई खुरदुरा मंजन नहीं होना चाहिए। राख, कोयला, रेत, मिट्टी से कुछ लोग कर लेते हैं, गंगा जी नहाने गए और वहाँ बालू रेत ले ली और उससे दांत मांज लिए, कोयले से दांत मांज लिया, तो ये दांतों को नुकसान पहुँचाएगा। कोई भी पेस्ट हो, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेड नहीं है। मेडिकेटेड पेस्ट तभी इस्तेमाल किए जाएंगे जब आपके दांतों में कोई ठंडा गर्म लग रहा है, कोई शिकायत है, कोई ऐसी बात है, तब मेडिकेटेड पेस्ट है। नहीं तो आप कोई भी पेस्ट करें, वो लुब्रिकेशन का काम करता है कि ज़्यादा आपके दांतों पे घर्षण ना बने, जिससे आपका जो दांत का ऊपरी लेयर, इनेमल जिसको बोलते हैं, वो घिसे ना, वो सही सुरक्षित रहे। और अगर आप हॉरिजॉन्टल करते रहेंगे तो जरूर दिक्कत आएगी। आप वर्टिकल ब्रश कराएं, ऊपर नीचे करके अगर डायरेक्शन में आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों को काफ़ी आराम रहेगा और खाना भी, जो खाना फूड पार्टिकल जो फंसे हैं वो निकल आएंगे। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जो है दांतों की प्रमुख बीमारियाँ क्या है, पायरिया होने पर किस हद तक उसका इलाज हो सकता है, और उस पर डिपेंड करता है पायरिया में कि प्रारंभिक अवस्था है कि देर हो गई है, उस तरह से उसका इलाज, हर चीज़ का इलाज संभव है। और उसी तरह से जैसे कि दांतों में सड़न होना है पर क्या करना चाहिए, बच्चों में सड़न होना है पर क्या करना चाहिए, बड़ों में सड़न होने पर क्या करना चाहिए, ब्रश करने का तरीका क्या है, और कई बातों को आपको बताएं और जो है ज़रूर आपको लाभ पहुँचा होगा। लेकिन समय न रहने के कारण अभी जो है हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं और अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।